भारत के सबसे रोमांचक गेमिंग प्लेटफॉर्म विंजो पर हैं 70 से भी ज्यादा गेम्स। तो खेलो अपने मनपसंद गेम्स और रोज जीतो करोड़ों के इनाम। डाउनलोड नाउ फ्रॉम winzogames.com। गेम में वित्तीय जोखिम शामिल है और इसकी आदत लग सकती है। जिम्मेदारी और अपनी जोखिम पर खेलें। जम्मू कश्मीर से आई जरा इन तस्वीरों को देखिए। जिस धारा 370 का इतना रोना रोया जाता है, उसके रहने तक ऐसी तस्वीरें शायद ही आपने देखी होंगी। ये तस्वीरें तो पाकिस्तान भी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, लेकिन दुश्मन जले तो जले। अनुच्छेद 370 के हटने के बाद से ऐसी एक नहीं अनेक तस्वीर आई है। ज्यादा सस्पेंस नहीं रखेंगे, ये तस्वीर है साउथ कश्मीर के अनंतनाग के एक गांव की, जहां प्राइमरी हेल्थ सेंटर का निर्माण तेजी से चल रहा है। जिस जगह पर इस अस्पताल का निर्माण हो रहा है, वो जगह अनंतनाग टाउन से 15 किलोमीटर अंदर है। ऐसे इलाकों में 15 किलोमीटर अंदर इस तरीके के हेल्थ सेंटर का बनना काफी फायदेमंद हो सकता है। इस प्राइमरी हेल्थ सेंटर के ना होने के अभाव के कारण आम जनता को जो है वो काफी परेशानी हो रही थी, लेकिन अब इसका काम जो है वो तेजी से चल रहा है। इसी मद्देनजर कि वहां पर लोगों को जो है ज्यादा से ज्यादा राहत मिले, उम्मीद है कि इसे जल्द से जल्द जनता के लिए खोल भी दिया जाएगा, क्योंकि काम जो है वो अपने फुल स्विंग में है, काफी तेजी से काम चल रहा है। खुद ही देखा है होगा कि काम बड़े शर्मों से जारी है और फिनिशिंग हो रही है। तो लोगों की बहुत बड़ी दीरी ना मांग थी कि ये बिल्डिंग कंप्लीट हो जाए जल्द से जल्द। इसका एस्टिमेटेड कास्ट है 3.51 करोड़। तो इसमें हमें अभी पेंडिंग है कुछ, इसका जो वॉलिंग है वो पेंडिंग है, हम उसका वाटर बनाना है और गैराज बनाना है, तो उसका भी हम इंशाल्लाह और रहमान हाल ही में उसका टेंडर करेंगे। तो जो मेन बिल्डिंग है विदिन वन मंथ हम इसको हैंड ओवर करेंगे हेल्थ डिपार्टमेंट को। ये गवर्नमेंट का बहुत ही अच्छा कदम है, क्योंकि ये गवर्नमेंट का यही काम है कि हर जगह ये हेल्थ फैसिलिटी होनी चाहिए, और लोग भी बहुत ही इस उतावले हैं कि ये बिल्डिंग कब कंप्लीट हो जाए, तो इनको ये मुस्तफीद हो जाए इस बिल्डिंग से। इस प्राइमरी हेल्थ सेंटर को बनता देख वहाँ के रहने वाले जो स्थानीय लोग हैं, ग्रामीण हैं, वो भी काफ़ी उत्साहित हैं। वो इस बात से खुश हैं कि उन्हें इलाज के लिए अब ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा, और साथ ही उन्हें इस बात की भी खुशी है कि ऐसा होने से अब लोगों की जानें भी बच पाएंगी। क्योंकि होता ये था कि तबीयत खराब होने के कारण उन्हें बड़े अस्पतालों में जाना पड़ता था, जिला अस्पताल जाना पड़ता था, अनंतनाग और श्रीनगर की तरफ जाना पड़ता था। ऐसे में उन्हें ज़्यादा वक्त लगता था, और उस दौरान जो है वो पेशेंट की जो जान पर बनाती थी, कई बार पेशेंट जो है वो जान से हाथ भी धो बैठता था। लेकिन अब इन तस्वीरों को देखकर हम ये कह सकते हैं कि यकीनन आने वाले वक्त में वहाँ के ये जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं उसकी भी तस्वीरें जो हैं वो बदलेंगी, और यकीनन वहाँ के जो लोग कह रहे हैं क्या उनकी राय है ये भी आप सुनिए जरा। दूर दूर तक जाना पड़ता है, लेकिन अगर ये सहूलियत यहाँ रहेगी गाँव के लिए और गाँव के इलाके के लिए, ये सेंटर में वाक़ है, तो बहुत सारे लोग सब इलाके को फ़ायदा आएगा। तो गवर्नमेंट से हमारी यही अपील है कि वो इस पर जो काम भी चल रहा है तो ये जल्द अज जल्द मुकम्मल हो जाए, ये हमारी अपील है गवर्नमेंट से, ताकि हम इससे फैजयाब हो जाए। आप मानते हैं इस इलाके के लिए बड़ी खुशकिस्मती? बहुत बड़ी खुशकिस्मती की बात है, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ जो इंसान की सेहत है, तो सेहत के रिलेटेड हैं ये हॉस्पिटल ही हैं, तो ओबियसली ये हमारे लिए बहुत बड़ी खुशकिस्मती है। हमें बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता था, क्योंकि हमारे पास PHE की कोई फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी। हम मरकजी सरकार और रियासती सरकार के बहुत ज़्यादा मशकूर है कि उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया कि यहाँ हमारे गांव में एक PHE सेंटर अभी बन रहा है, अभी कंप्लीट होने को है। हम सरकार से इस्तेदा करते हैं कि वो जल्दी से जल्दी इसे कम्प्लीट करे, कि इससे हमारे गाँव दूर दराज के लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल हो। ये तस्वीरें ये उत्साह बताने समझाने के लिए काफ़ी है कि कश्मीर के हर कोने के विकास के लिए सरकार अपनी प्रतिबद्धता दिखा रही है। यही वजह है कि दुनिया के कई देश जम्मू कश्मीर में भारत के कामकाज से काफ़ी खुश हैं, और वो लगातार भारत के इस रवैये को, इस तौर तरीके को अपनी रिपोर्टों में सराह भी रहे हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइए। देखते रहिए भारत तक। नमस्कार, जय हिंद।